हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम औसत के बारे में पढ़ेंगे। औसत क्या होता है? तो औसत को समांतर माध्य भी कहा जाता है। समांतर माध्य मतलब मध्य का अंक होता है। मान लेते हैं हमें कोई तीन अंक दी गई है। पहला अंक 10 है, दूसरा अंक 20 है और तीसरा अंक जो है 30 है। इन तीनों अंकों का औसत क्या होगा? तो इन तीनों अंकों का औसत ज्ञात करने के लिए हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। हम इन अंकों की संख्या को नीचे भाग दे देते हैं। यहाँ पर 10, 20 और 30 तीन संख्या दी गई है, तो यहाँ पर हम अगर इसे तीन से भाग कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा औसत। तो इसे हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 60। तो 60 को अगर हम तीन से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 20, और यही 20 जो होता है वह औसत है। औसत का अर्थ होता है बीच का अंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं का औसत 20 है और 20 जो है बीच का अंक है। अगर हम इसी के स्थान पर कोई पांच संख्या लेते हैं, उन पांच संख्याओं के योग करेंगे और उसे पांच से भाग कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा कि उन पांच संख्याओं के बीच का अंक क्या होगा, और उसे ही औसत कहा जाता है। यहाँ पर हम फार्मूला देख सकते हैं। औसत को एवरेज से प्रदर्शित किया जाता है, ए से। तो ए इक्वल टू होता है टोटल अपॉन जो नंबर होता है। नंबर अर्थात जितने अंक दिए गए होते हैं उसे नीचे लिखा जाता है। यहाँ पर तीन अंक दिए गए हैं, 10, 20 और 30। तो यहाँ पर हम तीन लिखे हैं और उन संख्याओं का योग होगा, जितने संख्या दिया रहेगा उसे हम जोड़ देंगे तो उसे ऊपर लिखेंगे, और जब इसे भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा औसत। यहाँ पर एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ होता है, अगर हम जो औसत दी गई होती है उसे संख्या से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर तीन संख्या दी गई है, तो अगर हम इसे संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा टोटल अर्थात इन संख्याओं का योग। यहाँ पर इसी को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हमको औसत प्राप्त हुआ है 20, और अगर यहाँ पर नंबर जो तीन है, 1, 2, 3, तो अगर हम इसे गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा टोटल 20 को तीन से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 60, और यही 60 जो है इन तीनों संख्याओं का योग है। तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण फार्मूला है कि अगर हम औसत को उस नंबर संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा टोटल। और औसत पर आधारित सभी प्रश्न इसी फार्मूले पे आधारित होंगे और इसी फार्मूले के माध्यम से बनेंगे। तो चलिए अब हम औसत पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम सरल प्रकृति के प्रश्न देखते हैं। सामान्यतः औसत कैसे ज्ञात किया जाता है? यहाँ पर पाँच अंक दी गई है तो हमें औसत ज्ञात करना है। हम औसत लिख लेते हैं। औसत इक्वल टू होता है टोटल अपॉन नंबर। इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे। उसके पश्चात अगर हम यहाँ पर पाँच संख्या दी गई है, यहाँ पर अगर हम पाँच से भाग कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा औसत, जिसे हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम ज्ञात कर लेते हैं। एवरेज औसत इक्वल टू होता है, इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 125 होगा, इसे जोड़ेंगे तो 275, इसे जोड़ेंगे तो 475, उसके पश्चात 50 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 525। 525 और ये पाँच अंक है तो हम इसे पाँच से भाग देंगे, इसे कटाने पर हमें प्राप्त होगा औसत, तो इसे हम कटा देते हैं तो इससे हमें प्राप्त होगा 105, अर्थात इन पांच संख्याओं का जो औसत है वह 105 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक दुकानदार एक सप्ताह में चार अलग अलग दिनों में 200, 230, 250 और 300 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, तो औसत लाभ क्या होगा? यहाँ पर हमें औसत लाभ ज्ञात करना है, मतलब एवरेज ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले टोटल ज्ञात कर लेंगे और नंबर से भाग देने पर हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। 200, 230 को जोड़ेंगे तो 430, 430 को हम 250 से जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त, 680 को हम 300 से जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 980, 980 को जब हम चार से भाग कर देंगे, यहाँ पर चार अंक दिए गए हैं तो चार से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा औसत। ये सभी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते, लेकिन हमें बेसिक पता होना चाहिए कि औसत क्या होता है। तो यहाँ पर हमें एवरेज प्राप्त हो जाएगा, इसे कटा देते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2, उसके पश्चात होगा 4 और उसके पश्चात होगा 5, अर्थात इन चारों संख्याओं का जो औसत है वह 245 है। एक अन्य चीज़ देखते हैं कि जो औसत है 245, अगर हम उसमें अंक को गुणा कर देते हैं, मतलब यहाँ पर संख्या जो है चार दी गई है उसमें हम चार से अगर गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा टोटल, अर्थात हमें योग प्राप्त होगा। तो इसे गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 980, अर्थात यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अगर हम औसत को उन संख्या से गुणा कर देंगे, कितनी संख्या दी गई है, तो हमें प्राप्त होगा योग। इस पर आधारित प्रश्न को हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते अगर हम 30 तक पहुँचते हैं
तो उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, अर्थात एक से लेकर 30 तक का जो औसत है उसे हमें ज्ञात करना है कि इसका औसत क्या होगा। तो इसका औसत ज्ञात करने के लिए हमें जो पहले अंक दिया गया है उसे लिखते हैं, उसके पश्चात जो अंत में अंक दिया गया है उसे लिखेंगे और उसे 2 से भाग कर देंगे। इससे हमें प्राप्त हो जाएगा औसत। इसे हमें याद रखना है कि पहला अंक को हम लिखेंगे, उसके पश्चात आखिरी अंक को लिखेंगे और उसे 2 से भाग कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा औसत। यह फार्मूला तभी यूज होगा जब इनके बीच में जो अंतर होता है वह समान हो। यहाँ पर 1 और 2 के मध्य में 1 का अंतर है, 2 और 3 के मध्य में 1 का अंतर है, यह अंतर समान है, इसलिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर यहीं पर 2, 4, 6, 8 करके अगर 90 तक दिया रहता तो यहाँ पर भी हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं कि इसका औसत ज्ञात कीजिए, तो इसके आधार पर हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 और 90 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। इस फार्मूले का यूज हम तभी कर सकते हैं जब इन दोनों के मध्य में जो अंतर होता है वह बराबर है। यहाँ पर 2 और 4 के मध्य में 2 अंतर है और 4 और 6 के मध्य में 2 अंतर है। इसे हम जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 31/2, तो इससे हमें औसत प्राप्त होगा 15.5, अर्थात जो औसत होगा वह 15.5 होगा। 1 से 30 तक का औसत 15.5 होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पहली 15 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब हमें प्रश्न में बोला गया है कि पहली 15 सम संख्या, पहली सम संख्या होती है 2, दूसरी सम संख्या होती है 4, उसके पश्चात 6, ऐसे करते करते हमें 15 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो जो 15वां सम संख्या होगा उसे कैसे ज्ञात करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 15, उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमें जो 15वां सम संख्या है वह ज्ञात हो जाएगा। तो इसे गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 30, अर्थात जो 15वां सम संख्या है वह 30 है। उसके पश्चात हमें ज्ञात करना है औसत, तो यह बहुत आसान है। 2 प्लस आखिरी संख्या 30 है बटा 2, यहाँ पर जो है यहाँ पर हो जाएगा 32, 32 को 2 से भाग कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 16, अर्थात प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत 16 होगा। हम पहली संख्या लेंगे और आखिरी संख्या लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो इससे हमें प्राप्त हो जाएगा औसत। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली विषम संख्या 1 होती है, दूसरी विषम संख्या 3 होती है, तीसरी विषम संख्या 5 होती है, अगली 7 होती है, ऐसे करते करते हमें ज्ञात करना है कि 50 विषम संख्या। तो 50 विषम संख्या ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फार्मूला होता है 2n-1। इसमें हम n के जगह जो वैल्यू दी गई है उसे रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि 50वीं विषम संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, यहाँ पर n का मान हम 50 रखेंगे, -1, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 100, 100-1, तो हमें प्राप्त होगा 99, अर्थात जो 50वीं विषम संख्या है वह 99 है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर जो अंतर है वह समान है तो हम उसी फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं पहली संख्या और जो आखिरी संख्या है उसे लिख देंगे बटा 2, इसे हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 100/2, अर्थात 50। तो पहली 50 विषम संख्याओं का जो औसत है वह 50 होगा। इसका हम शॉर्ट में देखते हैं कि अगर n विषम संख्या दी गई है तो उसका औसत n ही होगा। इस प्रश्न में 50 विषम संख्या बोला गया है तो यहाँ पर जो औसत प्राप्त हुआ वह 50 ही होगा। अगर हमें इसी प्रश्न में कहा जाए कि पहली 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि पहली 50 सम संख्याओं का औसत n+1 होगा। यहाँ पर हम पहली सम संख्या 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते 50 सम संख्या लेंगे, तो 50वां सम संख्या जो है 100 होगा। तो हमें ज्ञात करना है कि औसत क्या होगा, तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। हमें बोला गया है कि 50 सम संख्या, अर्थात हम 50 लिख लेंगे और +1 कर देंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा 51, अर्थात 50 सम संख्याओं का औसत होगा 51। जो बोला गया है कितने सम संख्या उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि औसत क्या होगा। और विषम संख्या की स्थिति में हमें जो बोला जाए कि 50 विषम संख्या, तो वह डायरेक्टली n होगी, अर्थात जो प्रश्न में कहा जाए 50, तो n का मान 50 होगा और यही औसत होगी। यह स्थिति तभी लागू होगी जब हमें कहा जाए कि पहली 50 विषम, पहली 60 विषम, तभी यह फार्मूला यूज होगा। अब हम अगला देखते हैं। अगला बोला गया 3 के प्रथम 15 गुणक का योग क्या होगा। यहाँ पर योग बोला गया है, हमें औसत नहीं कहा गया है। तो हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं कि 3 के गुणक, 3 का गुणक होता है 3, 6, 9, ऐसे करते करते हमें 15 गुणक ज्ञात करना है। तो 15 गुणक को कैसे ज्ञात करेंगे, 15 × 3, तो हमें प्राप्त होगा 45, अर्थात हमें 45 तक पहुँचना है,
अर्थात 3 का गुणक 15वां गुणक जो है 45 होगा। तो इससे हम औसत ज्ञात कर लेते हैं। औसत ज्ञात करने के लिए हम पहले और आखिरी को जोड़ देंगे, 3 + 45 / 2। तो इससे हमें प्राप्त होगा औसत। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 48, और उसे 2 से भाग देंगे तो 24 प्राप्त होगा। अर्थात 3 का जो प्रथम 15 गुणक है उसका जो औसत है वह 24 है। यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि योग क्या होगा, तो हम जानते हैं कि अगर हम औसत में उस संख्या को गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा योग। तो यहाँ पर 15 गुणक है तो यहाँ पर हम 15 से गुणा कर देंगे, तो इससे हमें प्राप्त हो जाएगा कि योग क्या होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हमें याद रखना है। अगर हम औसत में उस संख्या को गुणा कर देंगे कि वह कितनी संख्या दी गई है, तो उससे हमें योग प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम गुणा कर देते हैं तो इससे हमें प्राप्त होगा 360, अर्थात 3 के प्रथम 15 गुणक का योग 360 होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और रेलवे, व्यापम, SSC सभी परीक्षा में यह पूछा जाता है। प्रश्न में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व विवाहित एक व्यक्ति और उसकी पत्नी का औसत आयु 25 थी। जब भी हम आयु से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हम हमेशा वर्तमान स्थिति के आधार पर सॉल्व करेंगे। प्रश्न में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व विवाहित एक व्यक्ति और उसकी पत्नी का औसत आयु 25 वर्ष थी। यहाँ पर हमें 5 वर्ष पूर्व 25 बोला है, तो वर्तमान में क्या होगा? तो 5 वर्ष पहले 25 था, तो वर्तमान में जो हो जाएगा वह हो जाएगा 30। हम हमेशा प्रश्न में कहा जाए तो वर्तमान स्थिति के आधार पर कैलकुलेट करेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व 25 थी, तो वर्तमान में 5 वर्ष बढ़ जाएगा, तो वर्तमान स्थिति के अनुसार उन दोनों का औसत जो है 30 हो जाएगा। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें कुल आयु प्राप्त हो जाएगी वर्तमान की, अर्थात वर्तमान की कुल आयु जो है 60 वर्ष है। अगला दिया गया है कि पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है वर्तमान स्थिति में, अर्थात जो प्रेजेंट कंडीशन है वर्तमान स्थिति, वहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, पति है, पत्नी है और उसके बच्चे हैं, तो उनकी औसत आयु जो है 22 वर्ष है। तो वर्तमान में 22 वर्ष हैं और 3 व्यक्ति है, तो इससे हमें प्राप्त होगा 66, अर्थात वर्तमान में उन तीनों व्यक्ति की कुल आयु 66 है। तो हमें पूछा गया है कि बच्चे की आयु क्या होगी। पहले कंडीशन में हमें व्यक्ति और उसकी पत्नी की औसत आयु बताया गया है कि वह 25 थी, तो हमने वर्तमान आयु ज्ञात की, तो वर्तमान आयु का कुल योग जो है वह 60 हमने निकाला। और हमें दूसरे कंडीशन में कहा गया है कि उसका एक पुत्र भी है और तीनों का मिलाकर जो औसत आयु है 22 वर्ष है, तो उसके माध्यम से हमने वर्तमान आयु का कुल योग निकाला, वह 66 वर्ष है। तो यहाँ पर जो पति पत्नी है और यहाँ पर जो है पति पत्नी और बच्चे हैं, तो अगर हम इन 3 में से 2 को घटा देंगे तो हमें जो पुत्र की आयु है वह प्राप्त हो जाएगी। तो 66 में अगर हम 60 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 6, अर्थात जो बच्चे की आयु है वह 6 वर्ष है। यही हमें प्रश्न में पूछा गया है कि बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, तो बच्चे की आयु जो है वह 6 वर्ष होगी। औसत का प्रश्न सॉल्व करते समय हमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हमें औसत दी गई है और व्यक्तियों की संख्या दी गई है, तो उसका गुणा करके हम योग ज्ञात कर लेंगे, उसके पश्चात हमें जो पूछा गया है वह हमें ज्ञात हो जाएगा। आयु के प्रश्न को हमेशा वर्तमान स्थिति के आधार पर हमें सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक नाव में 15 व्यक्ति सवार थे जिनकी औसत वजन 30 किलो है। तो यहाँ पर हम औसत वजन 30 किलो लेते हैं, यहाँ पर हम टोटल वजन ज्ञात कर लेते हैं, तो टोटल वजन हमें प्राप्त होगा 450। हमें अगला कहा गया है कि 16वें व्यक्ति के आ जाने से औसत वजन 1000 ग्राम घट जाता है, अर्थात जो 16वां व्यक्ति आएगा उसके कारण जो वजन का जो औसत है वह 1000 ग्राम कम हो जाएगा। तो हमें पूछा गया है कि नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। तो यहाँ पर जो 15 व्यक्ति है वह पहले से नाव में सवार थे, जब उसमें एक व्यक्ति आ गया, यहाँ पर कुल वजन है, उसमें से अगर एक व्यक्ति का नया वजन जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा कि कुल वजन कितना है। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि जो नया औसत प्राप्त होगा वह जो है 1000 ग्राम कम होगा। 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, तो जो हमें नया औसत प्राप्त होगा वह होगा 29 किलो। प्रश्न को हमें समझना है कि 16वां व्यक्ति आने से जो औसत वजन है वह 1000 ग्राम घट जाता है, अर्थात 1 किलो घट जाता है। तो जो औसत है वह 1 किलो घट जाएगा, तो पहले जो औसत थी 30 किलो वह हो जाएगी 29 किलो। तो यहाँ पर हमें 29 किलो प्राप्त हुई औसत, और टोटल व्यक्ति हो गए 16, नाव में 16 व्यक्ति सवार हो गए, तो यह जो हो गई वह 16 व्यक्ति आने के बाद कुल वजन हो गई, यह जो 15 व्यक्ति थे उसमें कुल वजन हो गई, और जो बचा वह है 16वें व्यक्ति का वजन।
उसके पश्चात हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स का वैल्यू प्राप्त होगा, और यही एक्स का वैल्यू प्रश्न में पूछा गया है कि नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, तो यही एक्स का मान जो है नए व्यक्ति का वजन होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 450, यहाँ पर दिया गया है प्लस एक्स, और इसे गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 464। तो यहाँ पर हम एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। एक्स का मान होगा 450 को हम उस साइड ले जाएंगे तो 464 में घटने के पश्चात हमें प्राप्त होगा 14, अर्थात जो 16वां व्यक्ति नाव में सवार हुआ उसका वजन था 14 किलोग्राम, अर्थात जो नाव में सवार हुआ उसका वजन 14 किलोग्राम था, और जबकि अन्य 15 का जो औसत था वह 30 किलोग्राम था। तो पहले जो 30 किलो था, अब जो नया व्यक्ति आया 14 किलो, तो वह जो औसत को प्रभावित किया तो वह सभी व्यक्ति में से एक एक किलो वजन को प्रभावित किया, और सभी का एक एक किलो वजन औसत से घट गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके बच्चे का 4 वर्ष पूर्व औसत आयु 25 थी। यहाँ पर 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है और उसके बच्चे हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व औसत आयु 25 थी। तो हमने अभी बताया कि हमें वर्तमान कंडीशन के आधार पर कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व 25 थी, तो वर्तमान में क्या होगी? तो वर्तमान में जो है 25 + 4 मतलब 29 हो जाएगी। तो 29 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा टोटल आयु उन सभी का योग। औसत में अगर जो संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें योग प्राप्त हो जाता है। तो इसे हम गुणा कर देते हैं, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 7, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 87। प्रश्न में अगला कहा गया है कि पत्नी और उसके बच्चे का 5 वर्ष बाद औसत आयु 30 होगी, मतलब जो होगी बोल रहा है मतलब भविष्य में, वर्तमान स्थिति के 5 वर्ष बाद औसत आयु 30 होगी, और वह केवल 2 व्यक्ति की होगी, पत्नी और उसके बच्चे की। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं वर्तमान स्थिति। यहाँ पर दिया गया है कि 5 वर्ष बाद 30 है, तो वर्तमान में क्या होगी? तो वर्तमान में जो है 25 होगी, और कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, पत्नी और बच्चे। तो इससे हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें 2 व्यक्ति, पत्नी और बच्चे का कुल आयु ज्ञात हो जाएगा। तो इससे हमें ज्ञात हो जाएगा 50 वर्ष। हमें ज्ञात करना है कि पति की वर्तमान आयु क्या होगी। यह जो है पत्नी और बच्चे की वर्तमान आयु का योग है, और यह जो है पति, पत्नी और बच्चे, इन तीनों की वर्तमान आयु का योग है। अगर हम तीनों की वर्तमान आयु के योग से पत्नी और बच्चे के वर्तमान आयु का योग घटा देंगे तो बचेगा पति के वर्तमान आयु। तो इसे हम घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 37, अर्थात जो पति की आयु है वह 37 वर्ष है। यह बहुत ही आसान होते हैं। हमें औसत दिया गया होता है और हमें वर्तमान स्थिति के आधार पर कैलकुलेशन करना है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 5 पारियों में औसत 45 रन बनाता है, 6वीं पारी में कितना रन बनाएं कि उसका औसत दर 3 रन बढ़ जाए। हमने नाव वाला प्रश्न देखा था, यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है। हमें दिया गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है 5 पारियों में 45 रन बनाता है। तो इससे हम 5 पारियों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो इससे हमें प्राप्त होगा 5, उसके पश्चात हमें प्राप्त होगा 225। अगला बोला गया कि 6ठी पारी में कितना रन बनाएं, मतलब अगर हम इसमें 6ठवा जो पारी है उसके रन को जोड़ देंगे, यह 5 पारी का रन है, और यहाँ पर अगर हम 6ठी पारी का रन जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा कि उसका जो औसत है वह 3 रन बढ़ जाए। पहले औसत था 45 रन, और हमें कहा जा रहा है कि 6ठी पारी में कितना रन बनाएं कि जो उसका औसत है 3 रन बढ़ जाए। तो 45 में 3 रन बढ़ना चाहिए औसत जो है, तो 48 हो जाएगा, और यह जो है टोटल 6 पारी का योग होना चाहिए। तो इसे हम गुणा कर लेते हैं, इससे हमें प्राप्त होगा 288, अर्थात जो 6ठी पारी का कुल योग है वह 288 है। हमें प्रश्न में बताया गया है कि 5 पारी में 45 रन हैं, तो 5 पारी के 45 रन का योग ज्ञात कर लेंगे, 6ठवा पारी में कितना रन बनाएगा कि जो उसका औसत है वह 3 रन बढ़ जाए। तो पहले 45 था, तो हमें 3 रन बढ़ाना है 6ठी पारी में। तो यहाँ पर हम 45 को 48 कर देंगे 3 जोड़ के, और टोटल 6 पारी का गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि वह 6ठी पारी में कितना योग बनाता है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में ज्ञात करना है 6ठी पारी में कितना रन बनाता है। यहाँ पर हम 225 को पक्षांतर कर देते हैं, तो हम 288 में 225 को घटा लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 63 रन, अर्थात जो खिलाड़ी है वह अपनी 6ठी पारी में 63 रन बनाएगा, जिससे उसका औसत जो है 3 रन बढ़ जाएगा। यह बहुत ही आसान होते हैं। हमें कुल योग ज्ञात करना होता है, उसके पश्चात जो अगला पारी होगा या अगला व्यक्ति जो नाव में सवार होता है उसे लिखना है। उसके पश्चात हमें जो आखिरी कंडीशन होगा वह भी दिया रहेगा कि उसके औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके पश्चात जो कुल व्यक्ति होंगे उसे हम लिख देंगे। तो इससे हमें प्राप्त हो जाएगा कि जो 6ठी पारी है उसमें कितना रन बनेगा,
या फिर कोई नाव में सवार होगा उसका वजन कितना है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं और यह औसत के अंतर्गत आखिरी प्रश्न है। हमें प्रश्न में कहा गया है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार इन तीनों का औसत ताप जो है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हम टोटल ताप ज्ञात कर लेते हैं। टोटल ताप हमें प्राप्त हुआ 90। 30 औसत दिया गया है और यहाँ पर 3 दिया गया है, तो हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 90। उसके पश्चात अगला दिया गया है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत ताप 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इन तीनों का जो औसत ताप है वह 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 32 डिग्री। इसे हम 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिया गया है, तो इसे हम 3 से गुणा करेंगे अर्थात अंक से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि योग क्या होगा। तो इसे हम गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 96। अगला हमें दिया गया है कि यदि गुरुवार का ताप 40 डिग्री हो तो सोमवार का ताप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें थर्सडे का ताप दिया गया है, थर्सडे का ताप दिया है 40 डिग्री, तो हमें ज्ञात करना है कि सोमवार का ताप क्या होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें गुरुवार, थर्सडे का ताप दिया है 40 डिग्री, तो इससे हम ट्यूसडे और वेडनेसडे का ताप ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 40 डिग्री, तो 40 को जब हम इस साइड ले जाएंगे 96 से घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 56, अर्थात जो ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो कुल योग है वह है 56। यहाँ पर हम ट्यूसडे और वेडनेसडे की जगह 56 रख देते हैं, तो यहाँ पर हम 56 रखते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं मंडे इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है 90, तो एम इक्वल टू जो मंडे का ताप है वह हमें ज्ञात हो जाएगा, तो इसे हम घटा देते हैं। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 4 और इसे घटाने पर हमें प्राप्त होगा 3, अर्थात जो सोमवार का ताप है वह 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। और यही हमें प्रश्न में पूछा गया है कि सोमवार का ताप क्या होगा, तो सोमवार का ताप 34 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। औसत के अंतर्गत हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।